नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो, केमो नाचो, कैसे काय। वेलकम है आपका मेरे आज के इस वीडियो में और एक एपिसोड के रिव्यू में। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। हाय आप लोग आ गए, कितनी बेसब्री से आप लोगों को मेरा इंतजार रहता है ना। हाँ मुझे तो क्यों ही नहीं रहे होता बिग बॉस, ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं सच्ची, पर आप करते हो कि नहीं बिग बॉस। तो सबसे पहले हुआ ये कि शमिता मायशा बातें कर रहे थे एक जगह पे, तो शमिता को पता चला कि मायशा के पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो थोड़ी सी सैड हो गई क्योंकि उन्होंने टास्क में डाकू वाले टास्क में उन्होंने उनका चप्पल पेंट में डुबा दिया था, वो उसके लिए थोड़ी सी सैड नज़र आई कि मैंने वो टास्क में दे दिया तो प्लीज़ सॉरी सॉरी। तो उन्होंने फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी शमिता शेट्टी, और उन्होंने कहा फिर उन्होंने किया कि उन्होंने अपना मैं दे दूंगी अनॉल, मैं अपना शूज दे दूंगी, स्लीपर दे दूंगी। फिर शमिता ने कहा कि मायशा को बुला के लेके आओ, तो प्रतीक गया बुला के लेके आए, फिर शमिता ने उनको अपना स्लीपर दिया कि एक कोई भी चूज कर लो। तो मायशा ने कहा मैं अभी नहीं ले सकती और मेरे जितना आपके जितना महंगा मेरा स्लीपर होगा भी नहीं। तो शमिता ने कहा इस डज नॉट मैटर, तो शमिता ने उनको अपना एक बोला कि मैं जा रही हूँ आपके उधर के बॉक्स में रख देती हूँ, आप ले लेना जब भी आप ले सकते हो। तो फिर उन्होंने अपना स्लीपर उनको दे दिया। तो ये चीज़ बहुत बिग बॉस के घर में बहुत अच्छी चीज़ एक दिखाई गई कि शमिता थोड़ी इमोशनल हो गई और उन्होंने ये सब किया। उसके बाद जय और ईशान बात कर रहे थे कि ये प्रतीक जो है हर टाइम में ऐसा 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 करता है, और वो करण के साथ नहीं करता, वो बस मेरे साथ ही करता है। और उसके बाद ईशान बोले कि ये रियाज उमर रियाज तो अलग ही है, उसका अलग ही है, मायशा के साथ वो पहले से ट्राई कर रहा था कि हम लोग लव ट्राइंगल बनाएंगे ये सब। तो वो जय अपना अलग बोल रहे थे, ये अपना अलग बोले जा रहे तो क्या है भाई। जय तो एक सोच रहे कि जय को बस प्रतीक की पढ़ाई, प्रतीक मुझे इंस्टिगेट करता है, प्रतीक जो भी करता है, प्रतीक जो भी करे भाई आप तो सही रहो अपनी जगह, आप अपनी जगह सही रहो बस। और एक बात और है कि प्रतीक तो क्योंकि वो उसने वो जो भी पहले के शोज किए हैं करण के साथ तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो उसको नहीं बोलते ज़्यादा, तो जय के सामने वो इस तरह से नहीं है, वो ज़्यादा बोल देते हैं ऐसा उस मुझे क्या सभी को लगता है, आप सबको भी लगता है ना। उसके बाद शमिता प्रतीक एंड निशांत बातें कर रहे थे जब टास्क के टाइम पर वो लोग जंगलवासी खीर लेके भाग गए थे, तो उसके बारे में बातें कर रहे थे कि पूरा का पूरा खीर ही लेके चले गए, मतलब वो खाई जा रहे पूरा उठा के खाई जा रहे सब मिलके। तो बताओ कैसी हालत हो गई है, बेचारे जंगलवासियों को खाना नहीं मिल रहा, चोरी कर करके खा रहे हैं वो खाना, उनका मुख्य घर से चोरी कर रहे हैं, खाई जा रहे। बाद विशाल ने चुराया फ्रिज से जाके चुपके चुपके से दही चुराया, दही तो मुझे भी पसंद है दोस्तों। तो विशाल का है पेट में गड़बड़ हो गया है, उसकी तबीयत खराब थी, उन्होंने बिग बॉस के बारे पास जाके कहा भी कि बिग बॉस प्लीज कैमरा मत दिखाओ, क्या बोलेंगे पेट में गड़बड़ हो गया है। पेट में गड़बड़ हो गया, दही चुरा के ला रही, क्या कर रहे हो भाई, जो भी कर रहे हो परम सुंदरी को बहुत ही मजा आ रहा, बहुत ही ज्यादा। शांत एकदम पागल ही हो गए हैं, मायशा समझा रही है कि मत बोलो कैमरे में मत बोलो प्रतीक और उसके बारे में जो भी था, वो बोल रही थी कि अरे बाबा कुछ नहीं था, फ्रेंडशिप था जस्ट। तो ईशान बोल रहे जो भी था भाई मुझे बहुत इफेक्ट हो रहा है, मैं सच में प्यार में पड़ गया हूँ, मैं क्या करूँ बस प्यार, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं इफेक्ट हो रहा, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ये सब क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे, छोड़ो ख़त्म करो। हो गए हैं ईशान एकदम बिल्कुल पागल हो गया है, मायशा
प्लीज तुम मेरे दैनिक लिए, मुझे सच्चा प्यार हो गया, तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो, मैं क्या करूँ क्या करूँ, ये भी परम सुंदरी की तरह क्या करूँ क्या करूँ बोलने लगा है भाई। मेरा डायलॉग तो मत चुराओ था भाई प्लीज। क्या कर रहे हो भाई सन, क्या कर रहे हो, क्या ही कर रहे हो। उसके बाद विशाल विशाल गए फ्रिज से चुपके 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 जाके दही चुरा के लेके आ गए। फिर उन्होंने कैमरा में बताया कि बिग बॉस प्लीज मेरा पेट खराब है, बिग बॉस मत बताना किसी को, पर दही मैंने चुरा लिया है, दही नहीं था मेरे पास, हम लोगों के पास तो दही मैंने चुरा लिया है बिग बॉस। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, करण समीता और निशांत बैठे हुए थे और वो लोग उस बारे में बात कर रहे थे कि जय जो है और प्रतीक, जय और प्रतीक के बारे में कि जय जो है वो अपने ही बात पे अड़े रह रहे हैं और इससे अच्छा तो प्रतीक है, वो सुधरा तो है कम से कम वीकेंड के वार के बाद। तो जय ने ये कहा, वो कहा, अलग ही उनका एटीट्यूड है अपना, और प्रतीक ने इंस्टिगेट उनको नहीं किया था, वो जाके सभी को वो बोल रहे थे बेवकूफ़ है एंड ऑल, तो जय ही खड़े हो गए अचानक से। और ये तो शमिता वही बोल रही थी कि वो उनको नहीं बोल रहे थे स्पेशली, पर वही खड़े हो गए अचानक से और बोलने लगे, और हर बार वो माँ की ही गाली देते हैं। तो करण ने कहा कि माँ की गाली इसलिए देते हैं क्योंकि उसको पता है कि वो माँ की गाली देने से वो गुस्सा हो जाएगा प्रतीक, इसलिए वो हमेशा वही बोलता है। तो वही करण ने कहा कि इस टाइम पे तो जय भानुशाली बिल्कुल गलत है, इससे अच्छा तो प्रतीक है कि वो कम से कम सुधर तो रहा है। बात चल रही थी पाथवे बनाने की, प्लानिंग, विशाल तेजस्वी और डोनल, ये विशाल जाता है आधी रात में चिपके चिपके से उठाते, तेजस्वी तेजस्वी उठो, और उसके बाद बेचारी गई दोनों बाथरूम में, पाथवे सिला उन्होंने, फिर उन्होंने पाथवे पर रख के देखा कि कैसा बन, तो फिर उन्होंने देखा कि कैसा बन रहा है हमारा पाथवे का रास्ता। उसके बाद और चले आए और अच्छी प्लानिंग कर रही है विशाल जो है, बहुत काफ़ी अच्छे भी विशाल और तेजस्वी भी खेल रहे हैं एकदम मस्त। बिग जी संदेशा लेकर आए और उन्होंने कहा शेर हिरन और पौधा हरा, इन्हीं से तो है जंगल हरा भरा, इन्हीं का तो जंगल में मचा है कहर, एक बूंद मिठास तो एक बूंद जहर। तो इसी से पता चलता है सुबह के संदेशे से कि आज घर में क्या होने वाला है। उसके बाद एक तरफ शमिता और ईशान बातें कर रहे थे कि उमर ने ऐसा किया वो किया, बाहर से ही वो मायशा के लव ट्रायंगल बनाऊंगा, ये सब प्लानिंग कर रहे थे, तो ये सब बातें कर रहे थे। और उधर से उमर रियाज जाके उधर से स्टीमर ले आए, उनका समिता शक्ति का स्टीमर और लेके आ गए, वो छिपा दिया उन्होंने। मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी देखते हुए। और उसके बाद उमर ने बटर भी चुराया, बटर वो चुरा के ले आए उन्होंने, मतलब बहुत ही हंसी आ रही है मुझे तो, ये चोरी वाला चोरी चोरी चुपके चुपके, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है कि ये चोरी चोरी चुपके चुपके जो ये सामान लेके आ रहे, भले स्टीमर लाए और उसका बटर लाए, उससे पहले भी शाल ने दही चुरा के लाए थे, तो ये बहुत ही चोरी चोरी हो रहा है, घर का सामान पूरा चोरी हुए जा रहा है। उसके बाद करण जो है जय को समझा रहे थे, तो जय को तो समझाने का कुछ फ़ायदा नहीं, वो वही फिर से बोल रहे हैं कि मुझे पहले भी सीजन में ये सब हो चुका है, गाली दे चुके हैं, तो मैं मेरा टेंपर हाई हो जाता है और मैं दे देता हूँ, मुझे कंट्रोल नहीं होता, मैं अपना हाथ नहीं हाथ से नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मेरे मुंह से निकल जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब उनको समझाने का आखिर में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो अपनी बात पर ही अड़े रहे। के बाद टास्क शुरू हुआ जहर एंड कहर का, तो इसमें रोल था डियर टाइगर एंड प्लांट, तो ये तीनों के बीच में ही टास्क था। बिग बॉस ने जंगल के वासियों को तीन ग्रुप में डिवाइड किया और जो भी ग्रुप जीतेगा वो जाएगा मुख्य घर में, जाने का मौका उनको मिलेगा। तो ये टास्क के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की, खतरनाक गेम हुआ है, एक तरह समिता संचालक बनी थी और समिता बोल रही हैं मैं दे दूंगी सारे गन्ने, है ये तो मैं करूंगी, मेरा है ये डिसीजन तो मैं करूंगी बस। और उसके बाद कोई जा रहा है
गन्ना लेके आ रहा है, कोई मशीन चला रहा है, और मशीन चलाते टाइम बिग बॉस बोल भी रहे हैं, भाई मशीन अच्छे से चला वरना हाथ गया तो एक तो हाथ भी जाएगा तुम लोगों का और ऊपर से मेरा सो भी जाएगा, मैं सो भी नहीं चला पाऊँगा, भाई बख्श दो मुझे। पर कोई सुन ही नहीं रहा, अपने किए जा रहे। बिग बॉस ने कई बार उस टाइम समझाया कि भाई उंगली का ध्यान रखो, अपने हाथों का टास्क अच्छे से करो, पर नहीं, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बिग बॉस बेचारे बार बार समझा रहे हैं सभी को, भाई मशीन सही से यूज़ करो, भाई लोग कृपा करो मुझ पर, इस शो पर कृपा करो, नहीं तो या तो तुम गेम खेलने के लायक रहो नहीं रहोगे या तो मैं गेम खिलवाने के लायक नहीं रहूँगा। बेचारे बोल रहे हैं कब से, सुनो, पर कोई सुन ही नहीं रहा बिग बॉस की। भाई बिग बॉस आप जब मेरी सुनोगे ना तभी ये लोग सुनेंगे आपकी, समझ में आया बिग बॉस? हाँ समझ लो। ओह माय गॉड, सबसे पहली बार सिम्बा की हमें आवाज़ सुनाई दी है, सिम्बा ने कुछ कहा है, वाह क्या बात है सिम्बा, आप नज़र आ गए, आपका स्वागत है इस शो में, आज 11वां दिन है और आप आज नज़र आए हो, वेरी गुड। और उधर अफसाना अलग, जैसे बिग बॉस ने कहा कि उंगलियों का ध्यान रखें, बिग बॉस मेरी उंगली गई, बिग बॉस मेरी उंगली गई, अब मैं नहीं करूँगी, मैं सबका गेम खराब करूँगी, बस मैं किसी नहीं, उंगली में लग गई बिग बॉस, मेरा अंगूठे गया, मेरा हमारी अंगड़ी गई, बिग बॉस हमारी अंगड़ी गई, मैं क्या करूँ, मैं किसी को गेम नहीं खेलने दूंगी, सबका गेम बर्बाद करूंगी, गेम रद्द करवाऊंगी, जूस पी जाऊंगी, बहुत खतरनाक अफसाना जो कर रही है, माय गॉड मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। परम सुंदरी भी बिग बॉस में जाना चाहती है, बिग बॉस परम सुंदरी क्या कुछ करो, बिग बॉस ये जंप कर रहे हैं और लोगों को कुचल देंगे पूरी तरह से, अरे भाई नीचे भी कोई है वो तो देखो, और कोई बोल रही है मेरे बाल खींच रहा, मेरे बाल फंस गया, अरे कोई नहीं देख रहा, कारण सुन ही नहीं रहा, अब जंप किए जा रहे, क्या गेम धमाल हुआ है ना भाई बिग बॉस के घर में, तो मेरे साथ सुनता रहा ना बिग बॉस का धमाल, लागे मिलते होंगे मैं आपसे बिग बॉस, और सभी जंगल वासियों का देखते बिग बॉस के घर में क्या होगा, तो परम सुंदरी के साथ मिलकर देखते रहे खुशी रियलिटी चेक, चलो ओके बाय बाय बाय। मेरी कभी बातें सुन लिया करो कभी कभी बिग बॉस, प्लीज सुन रहे हो ना, अगर सुन रहे हो परम सुंदरी की तरफ भी ध्यान दो बिग बॉस प्लीज, हाँ जोड़ के विनती कर रही हूँ। और फ्रेंड्स आप लोगों को परम सुंदरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो टास्क हुआ धमाकेदार गाइस, तो मैं अब देखते हैं टास्क कौन जीता अगले एपिसोड में, ये हम देखेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और मैं आपको बताऊंगी बिग बॉस की सारी बातें और हम रिव्यू करेंगे एपिसोड का और मस्ती धमाल करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय बाय, टेक केयर। वाओ कितनी सुंदर है ये बटरफ्लाई।